आर्य समाज घरौंडा के तत्वाधान में शहर के सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित साप्ताहिक यज्ञ समारोह का समापन आर्य समाज भवन में हुआ। आर्य समाज भवन में घरौंडा की सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा 17 यज्ञ कुंडों में संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य यज्ञ छठवी पुरोहितों द्वारा वेद मंत्रों से संपन्न किया गया। इस अवसर पर आर्य समाज घरौंडा के प्रधान मास्टर जयप्रकाश आर्य ने कहा कि पूरे शहर में सभी 17 वार्डों में 17 ही स्थानों पर विशेष औषधियों से युक्त सामग्री व गाय के घी के साथ एक ही समय में यज्ञ समारोह लगातार 6 दिन तक आयोजित किए गए। वह इसका शुभारंभ नगर खेड़ा से हुआ व पूर्ण आहुति आर्य समाज भवन में यज्ञ समारोह संपन्न होने पर की गई। इन यज्ञ समारोह के माध्यम से पूरे शहर में एक वैदिक क्रांति देखने को मिली। यज्ञ समारोह से कोरोना जैसे वायरस को पनपने से रोकने व पर्यावरण की शुद्धि व शहर में लोगों से आपसी प्रेम व भाईचारा मजबूत करने का काम किया गया। इसके अलावा मन वचन व कर्मों की शुद्धि हुई जिसके लिए पूरा शहर निकला। इस दौरान यज्ञ समारोह के लिए गठित कमेटी के सदस्यों को महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश से सम्मानित किया गया। वह पूरे शहर में सभी 17 वार्डों में लगातार 6 दिन यज्ञ कार्यक्रम आयोजित करने वाली सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को नीम बड़ पीपल के पेड़ वैदिक साहित्य से सम्मानित किया गया। घरौंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। ये हमारा चल रहा था 11 तारीख से जी, और ये 17 वार्डों के अंदर प्रतिदिन सायंकाल को 4 से 5 ये चला, जो ये आज पूरे दुनिया के अंदर वायरस फैला हुआ है इसको समाप्त करने के लिए। और ये ऐसी चीज़ है कि इससे जितनी भी वो अपना ये चलती है जो दुष्प्रभाव इसका होता है गैस का या कोई भी वायरस हो उसको ये यज्ञ उसको समाप्त कर देता है, क्योंकि यज्ञ के अंदर शुद्ध देसी घी गाय का और जो सामग्री होती है इसमें सारी की सारी जो होती है ये अपना आयुर्वेदिक और जैसे गुग्गल है या मखाने हैं जो है इनमें सुगंधित पदार्थ जो डाले जाते हैं यज्ञ के अंदर वो इस वायरस को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका वायरस को ख़त्म करने के लिए यज्ञ है, और यज्ञ के द्वारा जो है कभी कोई जिस घर में यज्ञ होगा वहाँ कभी कोई बीमार भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो कीटाणु होते हैं बीमारी के ये यज्ञ के द्वारा वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें जो है यज्ञ के साथ जुड़ना चाहिए, और ये केवल हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा रही है सृष्टि के आदि से कि यज्ञ चल रहा है, और ये विज्ञान के ऊपर आधारित है, विज्ञान के ऊपर ये आधारित है, और वैज्ञानिकों ने भी इसको माना है कि यज्ञ के द्वारा ज़्यादा जितना भी वायरस हो इसको समाप्त किया जा सकता है। पहले तो मैं आर्य समाज के यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस महामारी से लड़ने के लिए जो एक मुहिम आर्य समाज ने हमारे शहर लाई है, एक ही समय पे शाम को 5 से 6 पूरे के पूरे 17 वार्डों में एक साथ यज्ञ होना उनकी जिम्मेवारी, अलग अलग आदमी की जिम्मेवारी, और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए एक ही समय पर उनको फ़ोन करना, बुलाना कि भाई ये आज आपका प्रोग्राम यहाँ पे है, आज आपका प्रोग्राम यहाँ पे, बहुत बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पे आर्य समाज की। हर रोज़ हर वार्ड में एक धोनी टाइप बोलते थे हम, जो पहले बोलते थे, हर वार्ड में जाया जाएगा और इस वायरस से बचाने के लिए एक जो मुहिम यहाँ स्टार्ट की थी उसको बहुत तेज़ी से चलाया जाएगा। फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में ये 4 महीने ऐसे होते हैं इसमें वायरस जिनको हम विषाणु भी कहते हैं पनपते रहते हैं, ये कोई आज इस साल नई बात नहीं है, आए साल पनपते हैं। और यज्ञ में हमने गुग्गल, जावित्री, लोबान, जायफल, लौंग, इलायची और ये आपकी पीली सरसों, तिल, गोला और बहुत सारी औषधियाँ मिला के बनाई हैं, और इन औषधियों में ये अक्षमता होती है कि ये सभी प्रकार के वायरस को ख़त्म कर देती हैं। हमने सभी जगह पर, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर यज्ञ ना किया हो, और वो सभी लोग आज आप लोग देख रहे हैं, सभी जातियों के, सभी संस्थाओं के, सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। आगे की रूपरेखा हमारी ये है
कि जब तक ये कोरोना वायरस का डर जनता में फैला हुआ तब तक हम हर रोज शाम को वही 5 से 6 बजे तक हर एक गली में हर एक वार्ड में एक धूप की वजह धूप की तरह जैसे जिसको धूमनी भी कहते हैं देसी भाषा में हर रोज सारे घरोंडा में वो धूमनी देंगे जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना पनपे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन वर्ल्ड क्लास केटरिंग सेंट्रली एयर कंडीशन लश ग्रीन लॉन्स स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग लॉन्चिंग एंड पार्टीज राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।